Subscribe now for all the latest and trending updates. आसिम रियाज ने की बेइज्जती, धर्म का किया अपमान, ब्रेकअप से टूटी हिमांशी, क्या अब नहीं करेंगी शादी। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिग बॉस सीजन 13 में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का रिश्ता बना था। आसिम के प्यार में एक्ट्रेस ने अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। जी हाँ, खबर थी कि 8 साल या फिर 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन उनका ये प्यार लंबा नहीं चला। 2023 में आसिम और हिमांशी ने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। दोनों ने अलग अलग धर्म होने की वजह से अपना रिश्ता तोड़ा था। अब हाल ही में एक बातचीत में हिमांशी ने आसिम का नाम लिए बिना रिश्ता टूटने की वजह का इशारों में बता दी है वजह, शादी पर भी बात की है। जी हाँ, हिमांशी के मुताबिक ब्रेकअप के बाद रिकवर होने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा, वो मुश्किल वक्त था। ब्रेकअप स्टोरी में विलन बनने से उन्हें कोई भी गुरेज नहीं है। उन्होंने रिश्ता तब तोड़ा जब बात उनकी मेंटल हेल्थ पर आ गई थी, लाइफ में शांति नहीं थी। हिमांशी को लगता है कि आसपास के लोगों का हेल्दी होना ज़रूरी है। वो कहती हैं कि आपका माहौल अगर टॉक्सिक नहीं होगा तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। पहले मैं काफ़ी बीमार रहती थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्स रिलेशनशिप से जुड़े कमेंट्स उन्हें कभी कभी हर्ट कर देते हैं, ये हिमांशी ने कहा। आगे उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। अगर मैं किसी रिश्ते से अच्छा फील नहीं कर पाती हूँ, वहाँ मेरा अपमान हुआ है, तो मेरे पास हक है कि उस रिश्ते से बाहर निकलने का, ये हिमांशी ने कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जब भी रिश्ते में वॉकआउट किया है उसकी वजह बस अपमान रही है। लड़कों को लगता है हम गोल्ड डिगर हैं, पैसों के लिए साथ हैं। अगर रिश्ते में आपकी आइडेंटिटी, फैसलों, धर्म, काम की इज्जत नहीं हो रही है तो उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी वाला मेरा चैप्टर बंद है, नहीं लगता मेरी शादी का कभी कुछ होगा। पहले मुझे खुद को ठीक करना है, इतनी हेल्थ इशू को लेकर कोई मुझे झेलेगा नहीं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।